और चलिए बात पौड़ी की करेंगे, जहां के घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में वेतन विसंगति की मांग को लेकर 200 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए पहुंचे। कर्मचारी पिछले 7 दिनों से कॉलेज में धरना दे रहे थे और जनसुनवाई नहीं होने से सभी कर्मचारी जिला अधिकारी से मिलने पौड़ी पहुंचे। कर्मचारियों की मांग है कि उनको पूर्व की भांति वेतन दिया जाए, साथ ही उनके द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति देने का भी विरोध किया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि उन्हें पिछले 3 सालों से पीआरडी के माध्यम से 17,000 वेतन प्रति माह मिल रहा था, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई है। मांग नहीं है हमारी, तो देखो जी अभी तक रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, हमारी जो पुरानी सैलरी जो हमें मिलती आ रही थी वो दे दो। 3 साल से हमें पीआरडी से ही सैलरी मिल रही है, सन 2020 से। उसके बाद पीआरडी का रिन्यूअल इन्होंने करवाया नहीं। पीआरडी का रिन्यूअल क्यों नहीं करवाया इनको पता होगा। रिन्यूअल ना करवाने के बावजूद भी 17 महीने हमें कॉलेज प्रशासन ने अपने माध्यम से सैलरी दी है। आज उन्होंने लास्ट संबंध में मेरी सचिव महोदय से बातचीत हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज का जो या कॉलेज प्रशासन जो है वो और जो हमारे कर्मचारी हैं इन दोनों के साथ में मध्यस्थता वार्ता या एक वार्ता की जाएगी, और वार्ता के बाद में शांतिपूर्वक जो समाधान निकालने का जो मेरा प्रयास रहेगा वो है। प्रशासन निश्चित रूप से विवादों का मुद्दा रहा है। घोड़दौड़ी कॉलेज प्रशासन में आपने देखा होगा पूर्व में 32 कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया था और उनको जो है वहाँ के रोजगार से वंचित कर दिया गया था। हम लोगों ने ये मांग की थी कि आप उनको पूर्व की तरह कार्य पर रखिए और जितने भी समान लोगों के साथ समान वेतन का प्रारूप तैयार करके उनके साथ उस तरह से निभाइए। लेकिन कॉलेज प्रशासन क्या करता है कि हमारी बातें नहीं सुनता, तो हमारा एक ही एम है कि हम कॉलेज प्रांगण में सबसे पहले मैं सुरेंद्र सिंह रावत लैब असिस्टेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट मैं आत्मदाह करूँगा और मैं सबसे पहले नामजद रिपोर्ट करूँगा उससे पहले डायरेक्टर साहब जी और अन्य 3 को।